हेलो चिल्ड्रन, इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे नंपाई। नाउ व्हाट इज नंपाई? नंपाई स्टैंड्स फॉर न्यूमेरिकल पाइथन और न्यूमरिक पाइथन। नंपाई इज अ लाइब्रेरी ऑफ पाइथन दैट प्रोवाइड्स फंक्शंस फॉर फास्ट मैथमेटिकल कंप्यूटेशन ऑन एरेज एंड मैट्रिसेस। सो व्हाट इज नंपाई? नंपाई क्या है? नंपाई पाइथन की एक लाइब्रेरी है जो बहुत सारे फंक्शंस प्रोवाइड करती है मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस करने के लिए एरेस पे एंड मैट्रिसेस पे, राइट? व्हाट आर मैट्रिसेस? मल्टी डायमेंशनल एरेस आर कॉल्ड एज मैट्रिसेस, राइट? सो नंपाई इज व्हाट? दिस इज द लाइब्रेरी ऑफ पाइथन विच प्रोवाइड्स फंक्शंस for doing mathematical computations on arrays and matrices. NumPy is useful to create and process single and multi-dimensional arrays. Okay, NumPy किस लिए यूजफुल है? इससे हम सिंगल एंड मल्टी डायमेंशनल एरेज बनाते भी हैं, ओके? और उन पर डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस भी करते हैं, राइट? Now the question is what is an array? Array होता क्या है? ठीक है, हमने ये तो अभी पढ़ा कि numpy का क्या use है। numpy की help से हम arrays को create करते हैं, मतलब arrays बनाते हैं, okay? और matrices बनाते हैं, fine? matrices multi-dimensional array and उन पर different different functions करते हैं। Now the question is what is array? Array होता क्या है? An array is a container which can hold a fixed number of items and these items should be of the same type. Array क्या है? Array is like a container. एक container है जिसके अंदर हमने कुछ items डाले, right? You should चलो हम यहाँ पे एक example लेते हैं. We have a box, okay? उस box का नाम क्या है? Array. उस array के अंदर हमने क्या किया है? सिमिलर आइटम्स डाले हैं, लाइक मैंने उस बॉक्स के अंदर 5 मैंगोज डाले हैं, ओके? सो व्हाट इज दैट? मैंगोज आर सेम, ओके? अगर आप उसमें एप्पल डालोगे तो क्या है? दैट इज डिफरेंट। तो यहाँ पे एरे क्या है? कंटेनर है जिसके अंदर आप आइटम्स डालते हो, ओके? एंड दीज आइटम्स शुड बी ऑफ सेम टाइप, और उन आइटम्स का टाइप क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। लाइक अगर आपने इंटीजर्स डाले हैं, नंबर्स डाले हैं, ओके? तो नंबर्स होने चाहिए, सारे जितने भी आइटम्स हैं वो सारे नंबर्स होने चाहिए। अगर आपने स्ट्रिंग डाली, वैल्यूज डाली हैं, तो जितने भी आइटम्स हैं वो क्या है? स्ट्रिंग वैल्यूज होनी चाहिए। अगर आपने बुलियन वैल्यूज डाली है फॉल्स एंड ट्रू, तो जितने भी वैल्यूज हैं वो बुलियन वैल्यूज होनी चाहिए, राइट? सो दिस इज एरे। इट इज अ कॉन्टिगुअस वन आफ्टर द अदर मेमोरी लोकेशन होल्डिंग एलिमेंट्स ऑफ द सेम टाइप, ओके? और ये कैसे स्टोर होते हैं मेमोरी के अंदर? ये कॉन्टिगुअस लोकेशन पे स्टोर होते हैं, मींस कॉन्टिन्यूअस लोकेशन पे। ऐसा नहीं है कि एक पार्ट मेमोरी के, एक पार्ट एरे का मेमोरी के एक पार्ट में स्टोर हुआ, फिर दूसरा पार्ट कहीं और जाके स्टोर हुआ, ऐसा नहीं है। एक कॉन्टिन्यूअस मेमोरी लोकेशन, जो लगातार मेमोरी लोकेशन होती है, वहां पे एरे स्टोर होते हैं एक साथ, एक ही जगह, राइट? एरे के सारे एलिमेंट्स एक जगह ही मेमोरी में स्टोर होते हैं वन बाय वन, राइट? नाउ एन एरे कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स, ओके, एंड इंडेक्स। एरे के दो पार्ट्स होते हैं, एलिमेंट्स एंड इंडेक्स। ईच आइटम स्टोर्ड इन एन एरे इज कॉल्ड एन एलिमेंट। एरे के अंदर जितने भी आइटम्स आप स्टोर करते हो उनको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट, राइट? एंड व्हाट इज इंडेक्स? उन एलिमेंट्स की लोकेशन को, ओके, हम एक नंबर देते हैं, फाइन? जैसे फर्स्ट एलिमेंट को दे दिया 0 नंबर, सेकंड एलिमेंट को दे दिया 1 नंबर, थर्ड एलिमेंट को दे दिया 2 नंबर, तो उस लोकेशन को हम क्या बोलते हैं? इंडेक्स, ओके? ईच लोकेशन ऑफ एन एलिमेंट इन एन एरे हैज अ न्यूमेरिकल इंडेक्स व्हिच इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द एलिमेंट, राइट? ओके, अब यहाँ पे हम एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे हमने क्या बनाया? स्टूडेंट्स नाम का एक एरे बनाया, फाइन? जिसमें हमने क्या किया?
हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 फाइव सेक्शंस है, तो हमने उसके अंदर फाइव सेक्शंस के स्टूडेंट की स्ट्रेंथ डाल दी, मतलब कौन से सेक्शन में कितने स्टूडेंट्स हैं, राइट। सो हियर वी हैव स्टूडेंट एरे हैविंग फाइव एलिमेंट्स, राइट। और सारे एलिमेंट्स क्या है, सेम टाइप है, क्योंकि सब में सारे नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, राइट। ओके, एंड इट इज शोइंग द स्टूडेंट एरे इज शोइंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच सेक्शन ऑफ द क्लास 11, राइट। अगर आपको ये एक्सेस करनी है तो आप इसको एक्सेस कैसे करोगे, ओके। तो एक्सेस करने के लिए बहुत ही सिंपल हमारे पास है, यहाँ पे आप क्या स्पेसिफाई करोगे, एरे नेम एंड द लोकेशन, ओके। अभी मैंने आपको बताया था एरेस में क्या है, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको एक पर्टिकुलर न्यूमेरिकल लोकेशन दी जाती है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंडेक्स। तो यहाँ पे अगर हमें फर्स्ट सेक्शन का डेटा चाहिए तो हमने क्या कर दिया, स्टूडेंट जीरो, जीरो मीन्स फर्स्ट सेक्शन, जो फर्स्ट आपका एलिमेंट है उस वो आ जाएगा, विल गिव द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट सेक्शन, राइट। देखो यहाँ पे दिया ना, एग्जाम्पल स्टूडेंट जीरो, जीरो इंडेक्स पर जो भी है वो आपको क्या देगा, फर्स्ट स्टूडेंट का सेक्शन देगा, दैट इज 40, ओके। सेक्शन थ्री, अगर हम सेक्शन सॉरी अगर हम स्टूडेंट्स थ्री करते हैं तो क्या होगा, इट विल गिव द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन फोर्थ सेक्शन, ओके, लाइक दिस। सो इन दिस वे वी कैन एक्सेस द एलिमेंट्स, इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ द एरे, ओके। नाउ एरे को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एरे रिप्रेजेंटेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एरे को रिप्रेजेंट करना है, सबसे पहले क्या आएगा आपका, डेटा टाइप, डेटा टाइप लाइक इंट, बूल, राइट, जो भी आपको डेटा, फ्लोट, अगर आपको डेसिमल में वैल्यूज देनी है तो आप फ्लोट दे सकते हो, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेटा टाइप को स्पेसिफाई करते हैं, ओके। देन आपका आता है एरे नेम, ओके। तो यहाँ पे एरे नेम आप कुछ भी ले सकते हो, A1, A2, ARR, कुछ भी, वॉट एवर यू वॉन्ट टू टेक, राइट। तो दिस इज द एरे नेम, देन यू विल स्पेसिफाई द साइज ऑफ द एरे। उसके बाद आप क्या करोगे, एरे का साइज स्पेसिफाई करोगे, साइज में क्या आता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ओके, विच एरे कंटेन्स, ओके। साइज में आपका आएगा जितने एरे के अंदर एलिमेंट्स हैं, फाइन। एंड देन आपने कर्ली ब्रैकेट्स में क्या किया, उसके एलिमेंट्स को स्पेसिफाई कर दिया, यहाँ पे दीज आर द एलिमेंट्स, फाइन। नाउ यू कैन सी दिस इज योर एरे, ओके। सो 35, 33 दीज आर द एलिमेंट्स, एंड 0, 1, 2, 3, 4, 5 लाइक दीज आर द इंडेक्स, फाइन। एंड द साइज ऑफ द एरे इज 10, ओके। अब यहाँ पे देखो इंडेक्स स्टार्ट्स विद 0, दैट आई हैव टोल्ड यू, मैंने आपको बताया भी था कि इंडेक्स वैल्यू हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे। एरे लेंथ इज 10, विच मीन्स डेट इट कैन स्टोर 10 एलिमेंट्स, ओके। एरे का साइज क्या है, 10 है, इसका मतलब क्या है, ये 10 एलिमेंट स्टोर करेगा, फाइन। ईच एलिमेंट कैन बी एक्सेस्ड बाय इट्स इंडेक्स, फॉर एग्जाम्पल वी कैन फेच एन एलिमेंट 27 एज एरे 6, जो मैंने अभी आपको बताया है, जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको हम किसकी हेल्प से एक्सेस करेंगे, इंडेक्स की हेल्प से एक्सेस करेंगे। अगर आपको क्या चाहिए, 27 चाहिए, जो यहाँ पे दिया हुआ है 27 आपको एलिमेंट चाहिए, तो आप क्या लिखोगे, एरे 6, बिकॉज 6 इज द इंडेक्स वैल्यू ऑफ 27, दिस इज द टर्म एरे 6, फाइन। अब हम आते हैं नंपाई एरेज पर, ओके। अभी हमने समझा व्हाट आर एरेज, एरेज होते क्या है, अब है टॉपिक नंपाई एरेज। नंपाई एरेज कम इन टू फॉर्म्स, नंपाई एरेज टू फॉर्म्स में आते हैं, वन डायमेंशनल एरेज एंड मल्टी डायमेंशनल और एनडी एरेज, ओके। वन डायमेंशनल एरेज एंड मल्टी डायमेंशनल एरेज। सो फर्स्ट वी हैव वन डायमेंशनल और वन डी एरेज, ओके। इनको हम क्या कहते हैं, इनको वन डायमेंशनल एरेज को वेक्टर्स भी कहा जाता है, फाइन। सी वन डायमेंशनल एरेज नोन एज वेक्टर्स हैव सिंगल रो और कॉलम ओनली। वन डायमेंशनल एरे में या तो सिंगल रो होगी,
ओके एलिमेंट्स की, या फिर सिंगल कॉलम होगा एलिमेंट्स का, राइट. अब यहाँ पे देखो सिंगल रो रिप्रेजेंटेशन है. ओके दिस इज वन डायमेंशनल एरे इन द फॉर्म ऑफ सिंगल रो. यहाँ पे इंडेक्स स्पेसिफाई किया हुआ A0, A1, A2, ओके. और इनसाइड द बॉक्स वी हैव द वैल्यूज, ओके, एरे एलिमेंट्स, राइट. एंड दिस इज द नेम ऑफ द एरे, इंट, क्योंकि यहाँ पे सारी वैल्यूज क्या है, इंटीजर टाइप, तो इंट स्पेसिफाई किया है. ए ए क्या है, एरे का नेम है. एंड सिक्स, सिक्स क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे, फाइन. तो दिस इज आर वन डायमेंशनल एरे, एंड वन डायमेंशनल एरे को वेक्टर्स भी कहते हैं, राइट. देन वी हैव मल्टी डायमेंशनल एरे नोन एज मैट्रिसेस. मल्टी डायमेंशनल एरे को मैट्रिसेस भी बोला जाता है, राइट. कैन हैव मल्टीपल रोज एंड कॉलम्स. एंड मल्टी डायमेंशनल एरे की क्या करेक्टरिस्टिक्स है, इसके अंदर मल्टीपल रोज हो सकती है या मल्टीपल कॉलम्स हो सकते हैं. जैसे यहाँ पे आप देखो 2D एरे, टू डायमेंशनल एरे है, तो यहाँ पे क्या है, वी हैव टू एक्सिस. टू डायमेंशनल एरे में हमारे पास दो एक्सिस है, जीरो एक्सिस मीन्स रो एक्सिस एंड वन एक्सिस मीन्स कॉलम एक्सिस, राइट. ओके एंड शेप देखो, शेप आपको दी है 2, 3, मतलब टू रोज, फाइन, टू रोज एंड थ्री कॉलम्स, फाइन. और मल्टी डायमेंशनल में क्या है, जैसे जैसे आप ऐड करते जाओगे और एक्सिस, तो क्या होगा, नंबर ऑफ एक्सिस इंक्रीज होते जाएंगे और उनका नंबर इंक्रीज होता जाएगा. लाइक यहाँ पे हमारे टू एक्सिस हैं, 0 एंड 1, देन आपका एक्सिस होगा 0, 1 एंड 2, 0, 1, 2 एंड 3, लाइक दिस. आप ऐसे इसको इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है. ये तो हमारा टू डायमेंशनल एरे. अब यहाँ पे देखो थ्री डायमेंशनल एरे का एग्जाम्पल है आपका. अब यहाँ पे आपका जीरो एक्सिस है रो, एंड देन एक्सिस 1 कॉलम एक्सिस, ओके, मतलब वी हैव 0 एक्सिस, ओके, देन एक्सिस 1 एंड देन एक्सिस 2, राइट. सो वी हियर वी हैव वन मोर एक्सिस, यहाँ पे हमारे पास 3 एक्सिस है, फाइन, 0, 1 एंड 2, और तो इसकी शेप क्या होगी, 4 रोज है आपके पास, ओके, एंड देन 3 कॉलम्स है, देन यू आल्सो हैव वन मोर एक्सिस, दैट इज 2, फाइन. सो दिस इज योर मल्टी डायमेंशनल एरेज. एनाटॉमी ऑफ नंपाई एरेज. ओके अब पूरा नंपाई एरेज का हम स्ट्रक्चर देखेंगे कैसा है, उसमें क्या क्या होता है, राइट. फर्स्ट वी हैव द एक्सिस, सबसे पहले हमारे पास एक्सिस है जो हमने अभी देखा था. द डायमेंशंस ऑफ एन एरे आर डिस्क्राइब्ड एज इट्स एक्सिस. द एक्सिस ऑफ एन एरे डिस्क्राइब द ऑर्डर ऑफ इंडेक्सिंग इन मल्टी डायमेंशनल एरेज. ओके एक एरे के डायमेंशंस उसके एक्सिस से डिस्क्राइब होते हैं, राइट, कि उसमें कितने डायमेंशन है, 1 डायमेंशन है या 2 डायमेंशन है या 3 डायमेंशन है, उसके अकॉर्डिंग ही हम एरे का नेम रखते हैं. 1 डायमेंशन है तो 1 डायमेंशन एरे, ओके, 1 एक्सिस है तो 1 डायमेंशनल एरे, 2 एक्सिस है तो 2 डायमेंशनल एरे, 3 एक्सिस है तो 3 डायमेंशनल एरे, एंड सो ऑन. ओके सो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, एक्सिस 0 इज द फर्स्ट एक्सिस एंड रन्स अलोंग द रो. जो हमारा एक्सिस 0 होता है वो सबसे पहला एक्सिस होता है, और वो कहाँ रन करता है, वो अलोंग द रो, मतलब रो में रन करता है, राइट. सेकेंड एक्सिस क्या है, एक्सिस 1 इज द सेकेंड एक्सिस एंड रन्स अलोंग द कॉलम. सेकेंड एक्सिस हमारा क्या होता है, एक्सिस 1 होता है जो कॉलम कॉलम की साइड रन करता है, राइट, दैट रन्स अलोंग द कॉलम. ओके ये कॉलम का एक्सिस 0 रो का एक्सिस माना जाता है, एक्सिस 1 कॉलम का एक्सिस माना जाता है, राइट. एवरी न्यू डायमेंशन एड इट गेट्स द नेक्स्ट एक्सिस नंबर. और अगर आप न्यू डायमेंशन उसमें ऐड करते हो तो क्या होता है, उसको नेक्स्ट एक्सिस नंबर मिल जाता है, लाइक एक्सिस 2, लाइक एक्सिस 3 एंड सो ऑन, फाइन. एक्सिस आर ऑलवेज नंबर 0 ऑनवर्ड्स फॉर एनडी एरेज. और मैंने अभी आपको बताया जैसे जैसे एक्सिस इंक्रीज होते जाएंगे वो 0 से स्टार्ट होंगे, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, वो आगे तक चलते जाएंगे, फाइन. सो दीज आर द एक्सिस विच डिसाइड द डायमेंशन ऑफ द एरे, कि कितने डायमेंशन का वो एरे है, 1 का है, 2 का है, 3 का है या फिर 4 डायमेंशन है एंड सो ऑन, राइट.
अब आती है हमारे पास रैंक. व्हाट इज रैंक? द नंबर ऑफ एक्सेस इन एन एनडी एरे इज कॉल्ड इट्स रैंक. रैंक क्या होती है? रैंक स्पेसिफाई करती है कि एक एरे के अंदर कितने एक्सेस हैं. ओके अगर एक एरे में वन एक्सेस है तो फर्स्ट रैंक एरे हो गया, टू एक्सेस है तो सेकंड रैंक एरे हो गया, थ्री एक्सेस है तो थर्ड रैंक एरे हो गया, लाइक दिस. फाइन. देन वी हैव द शेप. ओके द शेप ऑफ एन एनडी एरे टेल्स अबाउट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स अलोंग ईच एक्सेस ऑफ इट. शेप क्या डिफाइन करती है? जितने भी एक्सेस हैं उसके नंबर ऑफ एलिमेंट, उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, राइट? द शेप ऑफ एन एनडी एरे इज इन द फॉर्म ऑफ टपल. ओके एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड एज शेप टपल, वेयर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन एक्सेस 0, एक्सेस 1, एक्सेस 2 आर स्टोर्ड एज एलिमेंट ऑफ शेप टपल. ओके शेप टपल में क्या होता है? हम शेप एट्रीब्यूट में क्या है आपका टपल फॉर्म में, दिस इज टपल ना, टपल फॉर्म में एक्सिस वाइज एलिमेंट स्टोर होते हैं. ओके जैसे अभी यहाँ पे सिर्फ शेप में 4 तो ओनली वन एक्सिस है, तो ये वन डायमेंशनल एरे का 0 एक्सिस के एलिमेंट्स को शो कर रहा है. ओके क्योंकि वन डायमेंशनल एरे में सिर्फ 0 एक्सिस होता है. ओके तो यहाँ पे 0 एक्सिस के एलिमेंट आ गया. टू डायमेंशनल के अंदर हमारे पास 2 एक्सिस हैं, 0 एंड 1, तो फर्स्ट ये 0 एक्सिस के एलिमेंट्स को शो करेगा, सेकंड ये 1 एक्सिस के एलिमेंट को शो करेगा इन द फॉर्म ऑफ टपल. ये क्या है हमारा? ये टपल के फॉर्म में, फाइन. ओके इन द फॉर्म ऑफ टपल, फाइन. देन टपल क्या होता है? इट्स अ रो. इन द फॉर्म ऑफ रो. कॉमा टपल में क्या होता है? एक रो होती है जिसमें हम वैल्यूज डालते हैं एंड द वैल्यूज आर सेपरेटेड बाय कॉमा. फाइन. वैल्यूज क्या होती है? एक दूसरे से अलग होती है. किसकी हेल्प से? कॉमा की हेल्प से. अब यहाँ पे देखो इसकी शेप क्या है. पहले इसमें 0 एक्सिस के एलिमेंट है 4, फिर इसके अंदर 1 एक्सिस के एलिमेंट है 3, देन इसके अंदर 2 एक्सिस के एलिमेंट है, दैट इज 2. फाइन. सो शेप एट्रीब्यूट से हमें क्या हेल्प मिलती है? वी कैन गेट टू नो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच एक्सिस. ठीक है, शेप हमें क्या डिफाइन करती है? जितने भी एक्सिस होते हैं उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं. फाइन. अब यहाँ पे देखो, फॉर इंस्टेंस फॉर 1D एरे शोन अबव द शेप इज 4. ठीक है, 1D एरे में हमारी क्या है? शेप क्या है? 4. मतलब 0 एक्सिस पे 4 एलिमेंट्स हैं. फॉर 2D एरे द शेप इज 2, 3. ओके 0 एक्सिस पे 2 एलिमेंट्स हैं एंड 1 एक्सिस पे 3 एलिमेंट्स हैं. एंड इन 3D एरे द शेप इज 4, 3 एंड 2. फाइन. नेक्स्ट वी हैव डेटा टाइप. ठीक है, द डी टाइप टेल्स, द डी टाइप एट्रीब्यूट टेल्स अबाउट द टाइप ऑफ डेटा स्टोर्ड इन द एनडी एरे. डी टाइप एट्रीब्यूट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? हम पता लगा सकते हैं कि किस टाइप का डेटा आपने स्टोर किया है एरे के अंदर. बाय डिफॉल्ट एनडी एरेज आर क्रिएटेड विद नंपाई डेटा टाइप फ्लोट. अगर देखो डी टाइप से आप स्पेसिफाई भी कर सकते हो कि आप कौन सा डेटा स्टोर करना चाहते हो, इंटीजर करना चाहते हो, स्ट्रिंग करना चाहते हो, बुलियन करना चाहते हो, राइट. और अगर आपने कोई भी डेटा टाइप स्पेसिफाई नहीं किया एरे नेम के साथ, राइट, तो बाय डिफॉल्ट वो कौन सी वैल्यू स्टोर करता है? वो फ्लोट वैल्यूज स्टोर करता है. फ्लोट वैल्यूज कौन सी होती है? डेसिमल वैल्यूज, फ्रैक्शनल वैल्यूज, राइट. देन वी हैव आइटम साइज. दिस टर्म रेफर्स टू द साइज ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ एन एनडी एरे इन बाइट्स. आइटम साइज क्या है आपका? एरेज के एलिमेंट का साइज बताएगा कितना है इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स. ठीक है, कि अगर वो इंटीजर है, मान लो यहाँ पे हमने एग्जांपल दिया है, सिंस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एन एनडी एरे आर ऑफ सेम डेटा टाइप, आइटम साइज रिटर्न्स द साइज ऑफ एनडी एरेज डेटा टाइप इन बाइट्स. ओके, द आइटम साइज इज एज पर द डेटा टाइप. फॉर डेटा टाइप 16-bit इंटीजर, अगर 16-bit इंटीजर है, ठीक है, डेटा टाइप आइटम साइज किस पे डिपेंड करता है? डेटा टाइप पे डिपेंड करता है. फाइन. अब यहाँ पे अगर डेटा टाइप आपने लिया है इंट 16, ओके, तो आइटम साइज क्या होगा? 2 bytes. बिकॉज 2 bytes क्यों होगा? क्योंकि 1 byte कितना होता है? 1 byte होता है 8 bits के इक्वल. यहाँ पे आपने डेटा टाइप लिया इंट 16, ओके, तो ये किसके इक्वल हो गया? 2 bytes के इक्वल हो गया. फाइन. तो हम डेटा टाइप की हेल्प से पता कर सकते हैं कि इसका आइटम साइज क्या है. फाइन.
अब देखो यहाँ पे एक प्रोग्राम है फाइन, और इस प्रोग्राम में हमने क्या किया है, देखो सबसे पहले हमने एक एरे बनाया ए वन विद द हेल्प ऑफ एरे फंक्शन। ओके, एरे फंक्शन, और एरे फंक्शन में हमने लिस्ट वन लिस्ट पास की है, फाइन। इम्पोर्ट नंपाई एज एनपी, सबसे पहले हमने क्या किया, नंपाई को इम्पोर्ट किया प्रोग्राम में, क्योंकि अगर इसको इम्पोर्ट नहीं करेंगे तो इसके फंक्शंस हम यूज नहीं कर सकते, इसलिए सबसे पहले हमने नंपाई लाइब्रेरी को इम्पोर्ट किया है, फाइन। और नंपाई लाइब्रेरी के एरे फंक्शन की हेल्प से हमने एक एरे बनाया फाइन, ए वन नाम का एक एरे बनाया जिसके अंदर हमने वन लिस्ट पास की, तो ये क्या बन जाएगा, ये वन डायमेंशनल एरे बन जाएगा, फाइन। अब दूसरा एरे हमने बनाया ए टू, इसके अंदर हमने क्या किया, टू स्मॉल लिस्ट पास की है, तो ये हमारा टू डायमेंशनल एरे फॉर्म करेगा। अब सबसे पहले देखो हमने प्रिंट करवाया है टाइप ए वन, ए वन का टाइप, तो हमारा आंसर क्या है, टाइप में क्या है, क्लास नंपाई, ठीक है, क्या है ये, नंपाई एरे है, फाइन। फिर हमने किया प्रिंट ए वन डॉट शेप, उसकी शेप क्या है, शेप क्या है आपकी, फोर, ठीक है, फोर एलिमेंट्स हैं उसके अंदर। फिर हमने क्या किया, ए वन डी टाइप, उसका डेटा टाइप क्या है, ए वन का डेटा टाइप क्या है, तो यहाँ पे आ गया इंट 32, फाइन। देन आपने प्रिंट किया है ए वन आइटम साइज, आइटम साइज किस पे डिपेंड करता है, डेटा टाइप पे डिपेंड करता है, हमारा डेटा टाइप क्या है, इन 32, तो आइटम साइज क्या होगा, 4 bytes, ठीक है, क्योंकि एक बाइट कितने कितना होता है, 1 byte किसके इक्वल होता है, 8 bits के इक्वल होता है, और इन 32 फिर किसके इक्वल हुआ, 4 bytes के इक्वल हुआ, फाइन। ऐसे ही हमने ए टू को रिप्रेजेंट कराया, यहाँ पे टाइप बताया ए टू का क्या है, तो ये नंपाई एरे है, फाइन। उसकी शेप क्या है, ठीक है, ए टू डॉट शेप, तो आपकी शेप आ गई 2, 3, टू एलिमेंट्स इन द रो एंड 3 elements इन द कॉलम, फाइन, ये ऐसे अरेंज करेगा, ओके। देन आपने डेटा टाइप किया ए टू डॉट डेटा डी टाइप, तो इन 32 आ गया, एंड आइटम साइज देन 4 bytes, फाइन, ओके। आई होप यू हैव अंडरस्टूड एनाटॉमी ऑफ नंपाई एरेज, उसमें क्या क्या होता है, एक्सेस होता है, राइट, उसकी रैंक क्या होती है, तो ऑल वी हैव डन, राइट। अब हमारे पास है नंपाई एरेज वर्सेस पाइथन लिस्ट, ठीक है, उस नंपाई एरेज में और पाइथन लिस्ट में क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या डिससिमिलैरिटीज हैं, फाइन। तो सबसे पहले हम सिमिलैरिटी को लेंगे, द नंपाई एरे एलिमेंट्स आर आल्सो इंडेक्स्ड इन मेमोरी इन द सेम मैनर एज लिस्ट। अब ये क्या बोल रहा है कि जैसे हम लिस्ट को मेमोरी के अंदर स्टोर करते हैं और उसको इंडेक्स वैल्यूज प्रोवाइड करते हैं, वैसे ही हम नंपाई को एरेज को स्टोर करते हैं कॉन्टिगुअस लोकेशन पे और उसको इंडेक्स वैल्यूज प्रोवाइड करते हैं। For example, if ARR is a numpy array with the elements, अब हमने एक array लिया है, ठीक है, जिसका नाम क्या है ARR, और उसमें elements हैं 11, 12, 13, 14 and 15, okay? Then its indexing will be just the same as list, okay? अब ये क्या बोल रहा है कि जो numpy array की indexing होती है वो list के जैसे ही होती है, बिल्कुल same. लिस्ट के अंदर आप फॉरवर्ड इंडेक्सिंग करते हैं, बैकवर्ड इंडेक्सिंग करते हैं, इन द सेम वे नंपाई एरे में भी हम लोग फॉरवर्ड इंडेक्सिंग करते हैं, जो जीरो से स्टार्ट होती है और पॉजिटिव होती है 1, 2, 3, 4, एंड बैकवर्ड इंडेक्सिंग। बैकवर्ड इंडेक्सिंग क्या होता है, हम एरे के लास्ट एलिमेंट से इंडेक्सिंग करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और वो क्या होता है, -1 से स्टार्ट होती है, एंड सो ऑन, फाइन, ओके। इन फॉरवर्ड इंडेक्सिंग स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 1, 2 एंड सो ऑन, एंड बैकवर्ड इंडेक्सिंग विद द -1, -2 एंड -3 एंड सो ऑन, ठीक है। सो दोनों में क्या सिमिलरिटी है, दोनों में इंडेक्सिंग बिल्कुल सेम है, फाइन। उसके अंदर भी आपकी पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है, ओके। फॉरवर्ड इंडेक्सिंग इज पॉजिटिव इंडेक्सिंग एंड बैकवर्ड इंडेक्सिंग इज नेगेटिव इंडेक्सिंग। फॉरवर्ड इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है और बैकवर्ड इंडेक्सिंग हमेशा -1 से स्टार्ट होती है, फाइन, ओके। तो ये सिमिलरिटीज हो गई। और दूसरी क्या है, जस्ट लाइक लिस्ट नंपाई एरेज एलिमेंट्स विल बी एक्सेस्ड यूजिंग इट्स इंडेक्सेस, फाइन।
हम इंडेक्सेस की हेल्प से ही नंपाई एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं, चाहे आप यूज करो पॉजिटिव इंडेक्स चाहे आप यूज करो नेगेटिव इंडेक्स। अब देखो, अगर आपको फर्स्ट एलिमेंट एक्सेस करना है, राइट, फर्स्ट एलिमेंट एक्सेस करना है, तो या तो आप एरे नेम और जीरो इंडेक्स दे दोगे तो आपका 11 आ जाएगा फर्स्ट एलिमेंट, या फिर आप एरे नेम और -5 दे दोगे तो आपका 11 आ जाएगा। ओके, पॉजिटिव इंडेक्स का भी यूज कर सकते हो, नेगेटिव इंडेक्स का भी यूज कर सकते हो। अगर आपको सेकंड मतलब इसका एरे का सेकंड एलिमेंट चाहिए तो उस आप इंडेक्स वैल्यू कर सकते हो एरे 1 दैट इज 12, और आप यूज कर सकते हो एरे -4 दैट इज 12। सो इन दिस वे आप क्या कर सकते हो, पॉजिटिव इंडेक्सिंग या नेगेटिव इंडेक्सिंग यूज करके एरे एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो, फाइन, एंड इट इज सेम एज द लिस्ट। अब हम देखेंगे numpy arrays और लिस्ट में डिफरेंस क्या है, फाइन। numpy array contains एलिमेंट्स ऑफ होमोजीनियस सेम टाइप, होमोजीनियस क्या होता है, सेम, दैट इज ऑल इट्स एलिमेंट्स हैव सेम डेटा टाइप। जो हमने अभी किया था कि numpy के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आप स्टोर करोगे उनका डेटा टाइप सेम होगा। अगर इंटीजर स्टोर करना है तो सारे इंटीजर्स होंगे, फ्लोट स्टोर करने हैं तो सारे फ्लोट होंगे, राइट। Python lists are made up of heterogeneous different types. और Python list में का में क्या कर सकते हैं हम लोग, heterogeneous मतलब different different data types के elements को हम store कर सकते हैं एक list में, okay, right? So first difference क्या हो गया, numpy में क्या है आप same elements को store करोगे, same data types of elements को store करोगे, list में आप different data types के elements को store कर सकते हो। numpy array does not support addition and removal of elements। अच्छा, अगर आप numpy arrays बनाते हो, okay, तो उसका size fix हो जाएगा, आप उसके अंदर और addition नहीं कर सकते, ना ही उसमें से remove कर सकते उसके elements को, fine। Python list supports addition and removal of elements। Python के list के case में क्या है, आप addition भी कर सकते हो और एलिमेंट्स उसके अंदर ऐड भी कर सकते हो और जो प्रीवियस एलिमेंट्स हैं उनको रिमूव भी कर सकते हो, राइट। numpy arrays support vectorized operation, that is if you apply a function it is performed on every item or element, that is element by element in the array। numpy array सपोर्ट करते हैं वेक्टराइज्ड ऑपरेशंस को। वेक्टराइज्ड ऑपरेशंस क्या होता है, जब आप कोई भी एक ऑपरेशन या फंक्शन अप्लाई करते हो एरे पर तो वो फंक्शन एरे के सारे एलिमेंट्स पर अप्लाई होगा, ओके। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, अगर आपको एरे के एलिमेंट्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं इंटीजर, लेट अस सपोज इंटीजर एलिमेंट्स हैं और आपको क्या करना है उससे उसमें 2 ऐड करने हैं, ठीक है, तो अगर आपने एरे प्लस 2 कर दिया तो मान लो एरे नेम इज ए, ए प्लस 2 कर दिया तो वहां यहां पे 2 क्या है, सारे के सारे जितने भी एलिमेंट्स है उसमें ऐड करेगा, राइट। Python list does not support vectorized operation. Python list vectorized operation को support नहीं करता है, right? जैसे array vectorized operation को support करता है, अगर आप कोई भी function apply कर रहे हो, कोई भी operation apply कर रहे हो, तो वो elements जितने भी array elements हैं, उसपे one by one apply करेगा, ऐसा Python list नहीं करता है, fine? Less memory consumption. Array को जब आप यूज करते हो उसमें क्या है, लेस मेमोरी कंज्यूम होती है और पाइथन लिस्ट में मोर मेमोरी कंज्यूम होती है। फास्टर रन टाइम एग्जीक्यूशन, एरे क्या होता है उनका एग्जीक्यूशन फास्टर होता है एज कंपेयर टू द लिस्ट, एंड रन टाइम एग्जीक्यूशन इज कंपेरेटिवली स्लोअर देन एरेज, और लिस्ट का रन टाइम एग्जीक्यूशन क्या है, एरेज से स्लो है, फाइन, ओके। सो हमने यहाँ पे देखा numpy और list के अंदर क्या सिमिलरिटीज हैं और क्या डिफरेंसेस हैं, फाइन। सो इस वीडियो के अंदर हमने किया है कि एरेज होते क्या हैं, numpy एरेज क्या होते हैं, उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, राइट, numpy एरेज और list में डिफरेंस क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू क्रिएट द एरेज, वन डायमेंशनल एरेज एंड मल्टी डायमेंशनल arrays, right? Okay, so let bye bye for now and we will meet in the next video.